आओ बेटा अब करते हैं सेंटर और रेडियस के रिगार्डिंग क्वेश्चन ये फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस. इसका सेंटर और रेडियस निकालो फिर मजा आएगा. पहला मौका किसी को नहीं दे रहा, ओपन फॉर ऑल. हाँ जी जो स्कूल में पढ़ चुका वो बताए सेंटर रेडियस कैसे निकलेगा. नो आइडिया. सॉरी इसके लिए कुछ पहले आपको नोट्स लिखने होंगे. यह है नोट कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर के ऊपर. क्या आपको ये मेथड आता है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर? कभी पढ़ा ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है? मान लो मेरे को इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. मेरे को होल स्क्वायर करना है, इसका होल स्क्वायर बनाना है कि x प्लस समथिंग का बने. क्या करना पड़ेगा सबसे पहला काम बताइए, बताओ क्या करूँ सबसे पहला? मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा. क्या स्टेप वन डिवाइड बाय a बोथ साइड. क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए. मतलब क्लियर. अब इसके बाद हम क्या करते हैं जो एक्स का कोफिशियंट है, ध्यान रखना एक्स का कोफिशियंट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है. ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस. जो एक्स का कोफिशियंट है उसको टू से डिवाइड करना है, यानी उसके डिनोमिनेटर में क्या लगा देना है टू और उसका होल स्क्वायर ऐड करना है. बोल रहा हूँ दोबारा, पहला स्टेप आ गया, दूसरा स्टेप तो अभी बोला ही भी नहीं मैंने पूरा. आई एम सेइंग जो एक्स का कोफिशियंट है, कोफिशियंट क्या होगा पहले जानते हो, जो एक्स के साथ नंबर है बी बाय ए, इसको टू से डिवाइड कर देना है. यानी कैसे देखो, स्टेप टू एड एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड्स क्या आपका बी बाय टू ए का होल स्क्वायर. पॉइंट क्लियर, बी बाई टू ए का होल स्क्वायर. अच्छा जी फिर ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस तो माइनस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू बी बाई टू ए का होल स्क्वायर. बोलो यहाँ तक क्लियर. जरा इस पर नोटिस करना ये कुछ बन रहा है, ध्यान से देखो क्या बन रहा है. आइडेंटिटी शाबाश किसकी, बोलो बोलो. ये बन गई x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर. खोल के देख लो एक बार से, ओपन करके देखना क्या बनता है. ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, मल्टीप्लाई करो यही बनेगा. नहीं समझ आ गई. और एक काम करना सी वाई को वहां शिफ्ट कर देना, सी वाई टू ए का होल स्क्वायर. पॉइंट क्लियर. इसी तरह वाई का भी होगा क्योंकि इक्वेशन में मेरे पास क्या होंगे, सिर्फ एक्स होगा वाई भी होगा, वाई भी होगा. पॉइंट क्लियर. उसके बाद मैं आपको इसके एंड में ना जादू दिखाऊंगा. जादू देखना किसी को नहीं, पक्का मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा बाद में. बाद में बोला अभी को एक बच्चे ने तो मना कर दिया, उसको नहीं दिखाएंगे. एक्स स्क्वायर जरा अरेंज करो इसे प्लस एट एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई और इस एट को पहले ही भेज दूं वहां पे. ठीक है इज इक्वल्स टू एट. मैं क्या करूंगा एक्स के लिए, इस वाले के लिए क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. जो एक्स का नंबर है उसको टू से डिवाइड करना है. नंबर क्या है एट, एडिंग क्या डालना है एडिंग बोथ साइड्स एट बाई टू का होल स्क्वायर यानी कितना फोर, फोर का स्क्वायर दोनों तरफ. क्लियर है कंफ्यूजन. इसी तरह इसमें भी करना है, इसमें क्या डालूंगा, इसमें क्या डालूंगा जल्दी बताओ, टेन बाई टू का होल स्क्वायर. क्लियर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 16, यहाँ क्या बनेगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई
प्लस 25, ये 16 कैसे बना 4 का स्क्वायर, और 25 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 5 का स्क्वायर। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कंफ्यूजन किसको है, पूछो सोच लो आपके फेस पे मेरे को कंफ्यूजन दिख रही है, एनीवन? ओके क्लियर है, ये क्या बन रहा है जरा ध्यान से देखिए, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है मेरा y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 16 प्लस 25, 8 और 16 कितने हो गए बेटा 24, 24 और 25 49 बन गई, आ गई क्वेश्चन, जरा सेंटर बताना क्या होगा, यही सुनना था 4.5 जिसने बोला सबका आंसर गलत, माइनस 4 माइनस 5। अब आप बोलोगे माइनस 4 क्यों हुआ, क्योंकि क्या होती है इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ऑनलाइन वरदान बताइए बेटा इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, बच्चे ने कहा ax प्लस by, अरे इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे बच्चा, हाँ x माइनस एक होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट, यानी कैसे लिखूंगा इसे, x माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 किसको होता है 7 का स्क्वायर, बोले ऐसा नो, ए क्या हुआ सेंटर क्या हो गया माइनस 4 कॉमा माइनस 5, बोले यहाँ तक क्लियर होगी बात, और रेडियस 7 यूनिट। अब कैसा रहता कि अगर मैं आपको बोलूँ ये आंसर दो लाइन में आता, तो दो लाइन में और बिना इतनी लंबी कैलकुलेशन करे और डायरेक्ट, चाहो तो ओरल भी निकाल सकते थे, कैसा रहता जानना है, पर बच्चे ने जादू से मना करा था तो जादू नहीं बताएंगे, उस वाले को ना बता ऐसा कैसे हो जाएगा। चलो अब इसका एक शॉर्टकट बताते हैं, पहले शॉर्टकट रेडी, आओ शॉर्टकट, आओ शॉर्टकट जानते कैसे, या ऑल्टरनेटिव कुछ भी बोल दो, डिराइव करके बताऊं कि कैसे बनेगा, इक्वेशन क्या होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल, बोलना थोड़ा लाउड बोलो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहां तक क्लियर, अच्छा जी फिर जरा इसे ओपन करना, x स्क्वायर माइनस 2ax फिर प्लस ए स्क्वायर फिर y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यही है ना, थैंक यू, 2by, हाँ 2by इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट, एक काम करो इस ए स्क्वायर और इस बी स्क्वायर को वहां शिफ्ट कर दो, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है बेटे, ये 2x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x के कोफिशियंट को, यस अनु, तो सेंटर क्या हो जाएगा, यानी इसका कोफिशियंट क्या होगा माइनस टू ए, तो अगर ए निकालने तो टू से डिवाइड माइनस टू से डिवाइड, दिखाओ ए क्या हो जाएगा, यानी और बी क्या हो जाएगा वाई के कोफिशियंट को माइनस टू से डिवाइड, कैसे, अब यही क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस टेन वाई माइनस एट, यही है ना, और आर निकालना है, क्वेश्चन क्या था मेरे एक बार बोलना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस टेन वाई माइनस एट, यही है ना बेटा, सबसे पहला काम क्या करना है, इस एट को तो वहां शिफ्ट कर देना, ये तो याद हो गया, अब ए निकालना है, ए क्या होगा एक्स का कोफिशियंट क्या है एट, हाँ हाँ एक्स का कोफिशियंट एट, एट को बस माइनस टू से डिवाइड कर दो, क्या आया माइनस फोर, बी के लिए y का कोफिशियंट 10 को माइनस टू से डिवाइड करो कितना आया, अब रेडियस के लिए क्या करें, अब रेडियस कैसे आएगा सर, ये तो आगे है बी
माइनस टू से तो करो, क्लियर कंफ्यूजन। अब देखो किसकी बात कर रहे हम, रेडियस, रेडियस कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया, कितना हो जाएगा इधर आके 8, क्लियर। रेडियस के लिए क्या करो, 8 में इन दोनों का स्क्वायर ऐड कर दो, बस 8 में ऐड कर दो इन दोनों का स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर चेक करके देख लो, ये आर स्क्वायर आएगा 49, तो आर कितना हो जाएगा आपका 7 यूनिट्स। अब आपको जो तरीका पसंद है वो आप कर सकते हो सर, एग्जाम में सवाल ये आएगा कि कौन सा वाला तरीका फॉलो करे, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, 1 मार्क का है तो डेफिनेटली ये वाला ही करना। अब टीचर थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि नहीं आपका तो सख्त कहेगा नहीं मेरे वाले तरीके से करो ऐसे करो वैसे करो, तो बेटा फिर आपको ये करना पड़ेगा। और कुछ मेंशन नहीं है, 2 मार्क्स है तो कई बार टीचर इसको भी वैलिड कर देता है, नोट डाउन प्लीज। अब क्वेश्चन 9 है ये कैसे होगा, इसको देख के कंफ्यूज हो गए, कुछ भी नहीं है बेटा, 2x² + 2y² - x। अब आप पहले बोलोगे सर यहाँ पे y तो है ही नहीं, सबसे पहली चीज x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 2, तो सबसे पहला काम 2 कॉमन ले लो या डिवाइड में कर दो, डिवाइड बाय 2 क्या करो, डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, क्या हो जाएगा x² + y² - अब कर सकते हो नॉर्मली कैसे, एडिंग ऐड कर दूंगा, एडिंग इसका कोफिशिएंट क्या है -1/2 × 2, ध्यान रखना जो नंबर है उसको नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है या 2 से डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, पॉइंट क्लियर। बच्चा क्या करता है -1/2 का होल स्क्वायर लिखता है, ये लिखा था अच्छा, वाई का कोफिशिएंट y तो है ही नहीं तो उसको लिखने की जरूरत है, कंफ्यूजन दोबारा सुनो बेटा, x का कोफिशिएंट क्या है आ गया, y का कोफिशिएंट काय 1 y स्क्वायर नहीं y तो एग्जिस्ट ही नहीं है, तो बोथ साइड्स ऐड कर दो, x² - x/2 + 1/4 + y² = 1/4, ये क्या बन गया मेरा, क्योंकि x - 1/4 का होल स्क्वायर, क्लियर, x - 1/2 का होल स्क्वायर, ओके। और ये y स्क्वायर मतलब y - 0 का होल स्क्वायर, याद है ना मैंने एक नोट लिखवाया था आपको कि जब इक्वेशन सेंटर पे है ओरिजिन पे है तो y - 0 का होल स्क्वायर, क्लियर, = 1/2 का होल स्क्वायर, तो सेंटर क्या हो गया 1/2, 0 और रेडियस 1/2 यूनिट्स, बोलो बेटा पॉइंट क्लियर हो गया क्या, आंसर वेरी कर रहा है, 1/4 कैसे हो सकता है, अरे अच्छा 1/4 का होल स्क्वायर आना चाहिए था ना, ओके थैंक यू, मैंने 1/4, एक सेकेंड करेक्शन प्लीज, 1/4 का होल स्क्वायर आना चाहिए, तो थैंक यू, अब बोलिए शॉर्टकट से करें, अभी दिखाता हूं शॉर्टकट से भी सेम आने वाला है, रेडी ऑल्टरनेटिव, एक क्वेश्चन बोलने के बाद 2x² + 2y² फिर -x, पहले तो कॉमन ले लो x² + y² - x/2। अब शॉर्टकट में क्या होता है, x का कोफिशिएंट क्या है, a के लिए क्या हो जाएगा -1/2 / -2, नीचे वाला क्या होता है रेसिप्रोकल, चाहे आप इसे ऐसे समझ लो -2 कुछ भी, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1/4, a तो ये आ गया, b y है ही नहीं तो कितना सीधा 0, तो
तो सेंटर तो सेम आ गया, सेंटर तो आ गया 1/4, 0। रेडियस के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर हो उसको पहले शिफ्ट कर देना कांस्टेंट को, है कोई कांस्टेंट नहीं तो जीरो में ऐड कर दो क्या 1/4 का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हुआ मेरा 1/4 का होल स्क्वायर, तो आर कितना होगा 1/4 यूनिट्स। लो सेम आ रहे, क्लियर, नोट डाउन प्लीज।